अक्सर इमरजेंसी मूवी जो है कंगना की वो विवादों में है, शुरू से आते ही विवादों में घिर गई है, क्या कहेंगे आपकी क्या राय है? देखिए, अगर हम इमरजेंसी फिल्म की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि इस फिल्म में कंगना सिर्फ एक एक्टर नहीं है, इस फिल्म की डायरेक्टर भी कंगना है और वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स भी कंगना ही है। तो इस फिल्म के ज़रिए कंगना की सिर्फ एक्टिंग दर्शकों के सामने नहीं आ रही है, बल्कि उनका निर्देशन, उनकी सोच, उनका डायरेक्शन और उनकी उनकी जो मनी पावर है वो भी इस फिल्म के ज़रिए सामने आ रही है दर्शकों के। जहाँ तक इसके ट्रेलर की बात है तो ट्रेलर में जो जो चीज़ें दिखाई गई हैं, जो जो सीन्स दिखाए गए हैं, उनको लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे कि बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को इसमें एक देशभक्त के तौर पर पेश किया गया है ट्रेलर के अंदर, और कंगना रनौत की बनाई इस फिल्म के ज़रिए इंदिरा गांधी, नेहरू, यहाँ तक कि संजय गांधी, इन तीनों को भी ऐसा दिखाया गया है, पूरे गांधी परिवार को, जैसे कि ये एक सत्ता का लालची परिवार है और वो परिवार ऐसा है जो कि सत्ता के संघर्ष में फंसा हुआ है। और बाद में कंगना ने कहा भी है कि इंदिरा गांधी ने जो कुछ भी अपने जीवन में हासिल किया वो अपने संघर्ष से हासिल नहीं किया, बल्कि उनको नेपोटिज्म के ज़रिए जो भी उपलब्धियां हासिल हुई वो नेपोटिज्म के ज़रिए इंदिरा गांधी को हासिल हुई। और इसी बात को जब कंगना इस रिलीज़ से पहले मीडिया के सामने पेश करती हैं तो विवाद और ज़्यादा खड़े हो जाते हैं, जैसा कि खड़ा भी हो रहा है। ट्रेलर में एक बात तो ये है कि बीजेपी के नेताओं को बढ़ा चढ़ाकर उनका महिमा मंडन करने की कोशिश की गई है, दूसरी तरफ गांधी परिवार को, नेहरू फैमिली को सत्ता का लालची दिखाया गया है, उनके बीच में सत्ता संघर्ष दिखाया गया है। तीसरा जो विवाद इस पर उड़ा है वो सिखों को लेकर है। सिखों को लेकर के बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं पंजाब से, ख़ासतौर पर ये कहा जा रहा है कि सिखों का इस फिल्म के ज़रिए अपमान किया जा रहा है, चाहे वो SGPC हो या फिर अन्य धार्मिक नेता हों या फिर जो इंडिपेंडेंट MPs हैं, जैसे कि एक फरीदकोट के MP हैं सरबजीत सिंह खालसा उनका नाम है और वो निर्दलीय सांसद चुने गए हैं। यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो सरबजीत सिंह खालसा हैं वो उसी बेअंत सिंह के बेटे हैं जो इंदिरा गांधी की हत्या के दौरान इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक थे। अब उसी बेअंत सिंह के पुत्र सरबजीत सिंह खालसा ने कहा है कि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में जो ट्रेलर अभी रिलीज़ हुआ है, जो दर्शकों के सामने आया है, उसमें सिखों का अपमान करने की कोशिश की गई है। सरबजीत सिंह खालसा ने एक फेसबुक पोस्ट के ज़रिए ये आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि सिखों को अलगाववादी और आतंकवादी के तौर पर पेश किया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। सरबजीत सिंह खालसा ये एक तरह से संदेश दे रहे हैं या चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर इस फिल्म को रिलीज़ किया जाता है तो इस फिल्म का एक ख़राब मैसेज जाएगा, ख़ास तौर पर पंजाब में, पंजाब के युवाओं में, पंजाब के सिखों में एक दुर्भावना के तौर पर ये फैल सकता है और इससे हमें सजग रहने की ज़रूरत है, ये बात कही है सरबजीत सिंह खालसा ने। तो कुल मिलाकर यह है कि जो ट्रेलर आया है उससे कई विवादों को हवा मिली है, कई तरह की जो आशंकाएं व्यक्त की गई हैं राजनीतिक दलों की तरफ से। जो सुखबीर सिंह बादल हैं उनकी पत्नी हरसिमरत कौर ने तो ये भी कह दिया है कि इस फिल्म को रिलीज़ से पहले सीधे SGPC की समीक्षा के लिए भेजा जाए और उस फिल्म को जब उसकी प्रॉपर समीक्षा हो जाए तभी उसे रिलीज़ की अनुमति मिले। दूसरी तरफ सरबजीत सिंह कहते हैं कि इस फिल्म को बैन ही कर दिया जाए, ये पंजाब के हित में रहेगा, पंजाब के सिखों के हित में रहेगा और पंजाब के बाकी सभी लोगों के हित में रहेगा कि इस फिल्म को रिलीज़ ही ना होने दिया जाए। तो आखिर मेन टाइम में जब इलेक्शन आप देख रहे होंगे कि कश्मीर में भी इलेक्शन है और पंजाब में भी, हरियाणा में इलेक्शन है, उसी समय मतलब BJP कह लीजिए या फिर कंगना रनौत को रिलीज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए, फिल्म की रिलीज़ तो खैर काफ़ी टाइम पहले डिसाइड हो जाती है और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर साल भर में किसी न किसी प्रदेश में चुनाव होते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि चुनाव से जस्ट पहले इस फिल्म का रिलीज़ होना और एक ऐसे स्टेट हरियाणा में भी चुनाव होना है जो कि पंजाब से बिल्कुल लगा हुआ राज्य है, पंजाब से कटकर ही हरियाणा बना है और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर जो वो भी पंजाब से लगा हुआ इलाका है, तो
इन दोनों प्रदेशों में चुनाव होने हैं और ऐसे में ये फिल्म रिलीज हो रही है, तो पंजाब से जो सबसे ज़्यादा मुखर आवाज़ सामने आई है इस फिल्म के विरोध में, तो ये जाहिर तौर पर चिंता की बात तो है। क्योंकि देखिए, पंजाब में अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें या पिछले कुछ सालों की बात करें तो काफ़ी अराजक स्थिति वहाँ पर बनती दिखाई दी है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि जो वहाँ पर भगवंत सिंह मान की सरकार है उसने काफ़ी हद तक हालात को काबू में रखने में सफलता भी पाई है। लेकिन फिर भी भले ही कानून व्यवस्था की स्थिति पंजाब में फ़िलहाल ठीक है, जो सरकार वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर का अच्छे तरह से संभाल रही है, लेकिन उसके बावजूद हमें कोई ऐसी स्थिति से बचना चाहिए जिससे कि किसी भी तरह की दुर्भावना या कोई वैमनस्य समाज के किसी भी वर्ग के बीच में पैदा हो। तो जाहिर तौर पर ये पंजाब के लिए चिंता की बात तो है। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरह से इंदिरा गांधी को दिखाया गया पूरी फिल्म में कि एक सत्ता की लोभी है, लालची है। आप इससे पहले भी देख रहे होंगे बहुत सारे विवाद हुए थे इमरजेंसी को लेकर, तो तमाम जो है जनता जो है उससे आक्रोशित हो जाते, तो क्या मतलब नीचा दिखा, कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है क्या? देखिए, कंगना रनौत की अगर हम बात करें, अभी उनकी फिल्म की बात को हम साइड भी करें, तो भी कंगना रनौत अक्सर विवादों में रही हैं। और जो सबसे ज़्यादा कंगना रनौत की फिल्म का विरोध हो रहा है या कंगना का भी विरोध की अगर जो पिछले कुछ हम घटनाओं की बातें करें तो वो पंजाब से ही सामने आई हैं। जैसे कि किसान आंदोलन के दौरान उनके जो विवाद रहे वो लगातार लोगों को नाराज़ करते रहे, उनके जो बयान रहे वो लोगों को नाराज़ करते रहे। और ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि वो घटना जिसमें एक CISF की जवान ने, महिला कर्मचारी ने, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को एक थप्पड़ भी मार दिया था। और वो उसके पीछे की वजह उन्होंने ये बताई थी कि उनकी माँ, उस महिला कर्मचारी की माँ, किसान आंदोलन के दौरान बॉर्डर पर बैठी थी और कंगना ने उन लोगों के खिलाफ, यानी कि जो किसान आंदोलन कर रहे थे उन लोगों के खिलाफ बयान दिया था, और उसी बात का गुस्सा उस महिला कर्मचारी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर निकाला था जब कंगना वहाँ पहुँची थी। तो कंगना का विवादों से पुराना नाता रहा है, चाहे राहुल गांधी को लेकर उनके बयान रहे हों, इंदिरा गांधी को लेकर उनके बयान रहे हों, कांग्रेस पार्टी को लेकर उनके बयान रहे हों, या फिर कांग्रेस या उससे जुड़े जो भी संगठन हैं, जो भी उनके उनसे जुड़े लोग हैं उनके खिलाफ कंगना के बयान रहे हों। कंगना की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो कोई ऐसी बात कहें जिसकी देश में चर्चा हो, उस पर विवाद पैदा हो और उनको अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का मौका मिले। तो आपने देखा होगा ना कि किसानों को उन्होंने बोल दिया कि 5% लेने वाली महिलाएं हैं, तो क्या ये बोलना उचित है क्या? देखिए, कंगना को अब आप सिर्फ एक एक्टर के तौर पर ना देखें, कंगना फुल फ्लेजेडली अब पॉलिटिक्स में आ चुकी है, तो अब हमें उन्हें एक राजनेता के तौर पर भी देखना होगा। और राजनेताओं को आपने अक्सर देखा है कि राजनेताओं को हम अच्छी तरह से जानते हैं, राजनेता अलग अलग तरह के बयान देते हैं, बहुत सारे विवादों में नेता आते हैं और वो हर पार्टी के नेताओं के साथ होता है। तो कंगना के पास अब जो उनका फ्यूचर है, देखिए पॉलिटिक्स में ही उनको अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी फिल्में भी सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं, तो अब उन्होंने पॉलिटिक्स को फुल टाइम अपना प्रोफेशन बना लिया है, तो अब एज ए पॉलिटिशियन उनके बयानों को हमें लेना चाहिए। तो क्या देख रहे हैं कंगना का, मतलब जितना जो पॉपुलैरिटी घट रही है इसलिए पॉपुलैरिटी पाने के लिए कुछ भी हथकंडे अपनाएंगे क्या? देखिए, मैंने जैसे कि आपको कहा कि अब राजनीति में हैं, तो राजनेता के बारे में कहा जाता है कि नेता वही जो बोले और डोले। तो नेता का काम होता है जनसंपर्क करके लोगों के साथ जाना, मतलब कि डोलना, लोगों से जाकर मुलाकात करना, लोगों से के सामने अपनी बात रखना, लोगों के सुनना और लोगों तक अपनी बात को अलग अलग जरियों से पहुंचाना। तो जिस संगठन से इस वक्त कंगना रनौत जुड़ी हुई हैं उन्हें उसी की विचारधारा, उसी के विचारों को आगे बढ़ाना है और उनके तमाम जो बयान हैं उनमें इसी की झलक हमें दिखाई देती है। क्या मोदी जी के नज़रों में बनने के लिए चाहत मतलब रहता है कि मतलब मोदी जी के नज़रों में बने रहता कि आपकी अपना सत्ता चलता रहे, ऐसा कुछ है क्या प्लान? देखिए, कंगना रनौत जिस पार्टी में हैं उसके सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी हैं, तो आप इसको कह सकते हैं कि वो नरेंद्र मोदी की नज़रों में आने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देती हैं। तो आपने पूरा मूवी को देखा और ट्रेलर में तो जिस तरह से दिखाया कि इंदिरा गांधी एक स्वार्थी थी, स्वार्थ के लिए कहा जाता है, डायलॉग भी आपने सुना होगा
कि इंदिरा इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तो क्या ये डायलॉग जिस तरह से फिल्माया जा रहा है, क्या कहीं ना कहीं टारगेट तो है कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी को तो टारगेट किया जा रहा है ना? देखिए ये जो डायलॉग की जिस डायलॉग की आप बात कर रहे हैं, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये किसी कांग्रेस के विरोधी की तरफ से ये बात नहीं कही गई थी, ये कांग्रेस के ही एक नेता थे उनकी तरफ से ये बयान दिया गया था और उसी बयान को, कांग्रेस के ही एक नेता के बयान को इस फिल्म में दिखाया गया है। तो क्या ये जिस तरह से चल रहा है बैन की चर्चाएं चल रही हैं, अब नज़दीक जिस तरह से चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो क्या इस पर बैन लग जाएगा क्या? देखिए वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पंजाब से जो आवाज़ें आ रही हैं, पंजाब के जो जनप्रतिनिधि चाहे वो सांसद हों या फिर वो शिरोमणि अकाली दल से जुड़े अन्य नेता हों या फिर SGPC के जो नुमाइंदे हैं वो हों, उनका साफ तौर पर मानना है कि ये फिल्म जो है वो सिखों का अपमान करती हुई दिखाई दे रही है। कम से कम इसका ट्रेलर तो जो है वो ये संकेत कर रहा है कि इसमें सिखों को सही ढंग से पेश नहीं किया गया है, उन्हें अलगाववादी या फिर आतंकवादी के तौर पर पेश किए जाने का आरोप पंजाब के जो संगठन हैं वो लगा रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा पूरा ट्रेलर में जिस तरह से इंदिरा गांधी को छवि दिखाया जा रहा है कि मतलब उग्र टाइप से दिखाया जा रहा है कि हर चीज सत्ता पाने के लिए एकड़ों की जनता को मार रहा है, उल्टे लटका भी रही हैं, तो क्या मतलब करेक्टर कहीं ना कहीं करेक्टर तो सवाल इंदिरा गांधी के करेक्टर पे उठ रहा है ना इन मुद्दों से? देखिए फिल्म में इमरजेंसी के दौरान हुई घटनाओं का जिक्र है, तो इमरजेंसी के बारे में हमने अनेकों कहानियाँ भी सुनी हैं और आपने भी सुनी होंगी, इमरजेंसी में जिस तरीके का बर्ताव किया गया था वो भी, उसकी भी कई तरह की घटनाओं के जिक्र हैं, तो उसी को शायद इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। कई मुद्दों को, कश्मीर जैसे मुद्दों को भी उठाया गया है कि मतलब उन्होंने कुछ समझौता किए थे, तो उसके बारे में क्या करेंगे कहेंगे? देखिए उसके बारे में जो भी एक शासक के तौर पर जब आप फैसले लेते हैं तो कुछ लोग आपके समर्थन में खड़े होते हैं और कुछ लोग आपके विरोध में खड़े होते हैं, तो अक्सर ये कहा जाता है कि किसी फिल्म में किसी भी घटना का या किसी भी फैसले का एक पक्ष दिखाया गया है, दूसरा पक्ष इग्नोर कर दिया गया है, वहीं किसी दूसरी फिल्म के बारे में कहा जाता है कि उस फिल्म का दूसरा पक्ष दिखाया गया है और एक पक्ष छुपा लिया गया, तो इस तरह के आरोप अक्सर कई फिल्मों पर लगते रहे।